छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। पप्पो, मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। हाँ तो बेटा, जो हम तुम्हारे लिए पसंद करेंगे वो भी अच्छा ही होगा ना, है? आखिर तुम कोई गैर थोड़े ही हो। लेकिन क्यों मामा, इसका भी तो हक है ना कि ये भी मेरी तरह पसंद की शादी कर सके, क्यों? हाँ ना तो करे, पसंद किसने मना किया है? और वैसे भी पसंद किसी को भी करे, जरूरी थोड़ी कि शादी उसी से करे, क्यों भाई? लड्डू, ये क्या बकवास है? लेकिन मामा ये बेचारी, इसके अब्बा ने मुझे बहन होने के नाते ये जिम्मेदारी दी है, और देखना मैं मरते दम तक निभाऊंगी। हाँ लेकिन मैं एक जमींदार से शादी नहीं कर सकती। क्यों, उसमें तो बहुत फायदा है, बस बैठे रहो, खाते रहो, चारों तरफ नौकरी नौकरी, याशियां ही है याशियां। यही तो जहालत है आजकल के लोगों की। पोपो, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तो क्या पसंद है फिर तुम्हें? मुझे खुद से काम करने वाले, हिलने जुलने वाले लोग पसंद है। यहाँ पर तो वो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ मुमकिन नहीं होगा, पर गांव देहात में अब ऐसे ही होते हैं। लो जी लो, अब हमें गांव देहात जाना पड़ेगा क्या? ना बाबा ना। मामा चलते हैं ना, कितना मजा आएगा ना। चलो चलो। बस बस, कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे इसके रिश्ते के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। लड्डू उठो, खूब बैठे बातें बना रहे हो हैं? अरे जाओ जाके किचन का काम करो, सब फैला पड़ा है, उठो। जी 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 मम्मी जी, आप तो मेहमानों के सामने डांट रही हैं मुझे। जी। देखें, अब आपका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। पहले दो चेक बाउंस हो चुके हैं आपके, मैं केस कर दूंगी आप पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेगम बेगम बेगम, वो बेगम। अरे क्या हो गया, जलजला आ गया क्या? नहीं बेगम, वो मेहमान आया है, वो सनम के रिश्ते के लिए। मेहमान आ गए? कौन मेहमान? बाहर है ना, बाहर खड़े हैं। ओहो, तो बाहर क्यों खड़ा कर रखा है, अंदर लाइए ना। हाँ 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 हाँ, लेके आता हूँ। लड्डू हनी, अरे जल्दी आओ। जी मामा। जी मामी जी, मेहमान आ गए। मेहमान आ गए तो मैं क्या करूँ, मेरे रिश्ते के लिए थोड़ी है। लड्डू, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मेरी मामा से? चलो जाओ, जल्दी से जाके खाने पीने की कुछ चीजें लेकर आ जाओ। लाइन पैसे दे, अभी लाता हूँ। कितने पैसे? 5,000 रुपए। 5,000? लड्डू के बच्चे, तो वो मम्मी जी की भतीजी की इज्जत का सवाल है ना, तो इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये बात तो है। हनी जल्दी से अंदर जाओ और मेरे पर्स में से पैसे निकाल के दे दो लड्डू को, बस 3,000 रुपए काफी होंगे। जा रही हूँ। तीन देना बस, 3,000। ला रही हूँ। 5,000 महंगी चीज है। बस साईं, तो हमारी तरफ से बात पक्की समझो, हमने छोकरी को देख लिया और छोकरी हमारी समझ में आ गई है। क्यों पुटर? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सबको मुबारक हो। वैसे बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिठल है, मिठल। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, वैसे नाम अच्छा है, नाम बेगम ने पूछा। मैं उन्हीं को ही तो बता रहा हूँ कि मेरा नाम मिठल है, माशाल्लाह। बेगम को बता रहे? हाँ। ओहो बेगम, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गुलाम जरा तमीज से। अबा गुलाम बैठा है तो फिर बर्गर और ब्रोस्ट मंगा, हेमा पापा ने खाई दो मैं। अरे पागल चरिया हो गया है क्या, ये नौकर नहीं है, तेरा होने वाला सुसर है। अब अरे गलती हो गई, सुसर है तो फिर मैं चुप हूँ। हाँ चुप ही रहे तो बेहतर है। अच्छा ये बताएं कि लड़का पढ़ा कितना है? अरे बहुत पढ़ा है, मगर फिर भी कुछ तो पढ़ा होगा ना। मेरा मतलब है कि ये बस पढ़ा ही रहता है। हाँ? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि वडेरे का बेटा है, ये इसको काम करने की क्या जरूरत है, बस उधर हवेली में ना पड़ा ही रहता है। अच्छा ये वाला पड़ा हुआ है वो, यूं। बस बाबा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का, अब वापस नहीं होगा। वापस नहीं होगा? अरे क्या सही, क्या ये सामान वामान जो वापस नहीं होगा? अरे यार तुम समझते नहीं है, मेरा मतलब है कि एक दफा जुबान दे दिया तो दे दिया। जी भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र हो जाए, हम भी जुबान के बहुत पक्के हैं। अब आप फोन 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 बजाई थी। अरे हाँ।
आई एम आमदीन। क्या वो अपनी जुबान से मुकर गया? उसको कुत्तों के सामने डाल दो। सुना नहीं तुमने? नहीं बा, कुत्ते कुत्ते का नहीं, मैं खुद उसको काटूंगा करके। हाँ, तुम तो हर जगह मेरे को जलील करवाना। चलो अभी इधर से। अच्छा, अभी हम लोगों को इजाजत है। जी भाई साहब, इजाजत है। चलो पोटो। बाबा इधर नहीं, उधर बाबा, तुम्हारे बाबा गया है। अल्लाह हाफिज। अरे बड़े खतरनाक लोग लग रहे थे तो मुझे। तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत, बात पक्की हो गई तुम्हारी। इसे क्या हुआ? क्या बेगम, एक भेंगे लड़की से आपने उसका रिश्ता तय कर दिया। भेंगा? क्या मतलब? देखा नहीं आपने, नाम आपने पूछा था, बता मुझे रहा था। हाँ, आपको बता रहा हूँ, बताओ। मैंने तो कोई खास गौर नहीं किया। हाय हाय, मैंने तो हाँ भी कर दी उन्हें। अब कर भी आप लीजिएगा, आप अपने होश में तो है। नहीं, मेरा मतलब तैयारियों से था। खैर बेगम, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ओहो, किसी ने कुछ खाया भी नहीं, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन खाएगा अब ये सब इतना? तुम्हारा गल्लू आ गया खाला, टेंशन नहीं है, अब ये गुल्लू खाएगा सब कुछ। हाय गुल्लू, मैं सदके जाऊं, मेरा भांजा है। तू बगैर इतला के ही आ गया, फोन तो कर लेना था। ओ बस जी खाला, आप लोगों की याद आई तो मैं आ गया। अब तुम आ गया हो ना, तो शाम की चाय पी के जाना बस। ओ कैसी बातें कर रहे हो खालू, अभी तो मैं आया हूँ, दो तीन घंटे और नहीं खालू महीने रह कर ही जाऊंगा। दो तीन महीने गुलाम? नहीं, मेरा मतलब है दो तीन महीने, बस दो तीन साल रुको यार। गुल्लू तुम बहुत थक गए होगे बेटा, है ना, बस में आयो। चलो शाबाश, मुंह हाथ धो लो, फिर ये खाओ। हाँ मैं फ्रेश होकर आया खाला, फिर ये खत्म भी तो करना है। बात सुनो, ये खत्म करके जाओगे या आके खत्म करोगे? आके खत्म करता हूँ तो बेहतर है, थोड़ा फ्रेश हो लूं, बड़ी मट्टी शट्टी थी। चलो लड्डू जल्दी करो, क्या हो गया? अरे आ रहा हूँ ना, सामान इतना वजनी है। सारा सामान निकालो। अरे कैसे हो तुम? अरे इतना वजनी सामान है, तुमसे इतने से सामान उठाया जा रहा है? अरे इतना सा तो है। क्या गिर गया? अरे गुल्लू तुम कब आए? अब बस सुना ही सुबह सुबह। गुल्लू भाई आप आ गए बड़े टाइम पे आए हो, ये सामान तो उठाओ यार, बहुत वजनी है यार। ओ यार लड्डू तुझसे ये सामान नहीं उठाया जाता है। अरे गुल्लू भाई ये बहुत वजनी है, इंसानों के लिए वजनी है, गधे उठा लेते आराम से। किधर उठा लेते गधे? लड्डू भाई तुझसे तो नहीं उठाया गया। नहीं मेरे प्यारे गुल्लू, तेरी बात कर रहा था। क्या अंदर अंदर चलते हैं? चलो चलो आ जाओ। जा रही हूँ। जी जी जी। और ये भी कोई वजन है? ऐवी शोर डाला है सी, इतना हल्का सा। ये देखो, अब देखो ताकत, अब देखो वजन। अरे सनम, ये कौन है, मजदूर? अब नहीं, अब अरे गुल्लू। कहाँ खो गए तुम? ये मेरी कजन है, लंदन से आई। और सनम ये मजदूर नहीं है, ये ना गुल्लू है। हाँ और इन्होंने सामान उठा के घूमने का शौक है। झूठ ना बोला, झूठ ना बोल लड्डू, तुझसे सामान उठ नहीं रहा था तो मैं उठा के लाया हूँ अंदर, कितना झूठ बोलता है तू यार। तो फिर उस वडेरे के बारे में क्या सोचा? मैंने तो आपको पहले ही बताया था बेगम। ओहो आप खामोश रहे, आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं।
वो मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। मगर क्यों, किस चीज की कमी है उसमें? कैल्शियम की। भैंगा है वो लड़का, भैंगा। अरे तो क्या हो गया, भैंगा है तो, है शरीफ लड़का है, अच्छे खानदान का है। सॉरी पुपो, पर मैं किसी कीमत पर उससे शादी नहीं करूंगी। लो, क्या मुसीबत गले पड़ गई है। ओ 105, ओ 106। बात सुने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले जी बोले। आप 100 से ऊपर पुशअप्स लगा चुके, थकते नहीं हैं? ओ नहीं जी नहीं, मैं वो असल में ना सिगरेट नहीं पीता जी। जी? अब मेरा मतलब है कि जी वो मैं गांव से हूँ ना जी, तो उधर जो है ना बड़े ताकतवर और मजबूत लोग होते हैं। बड़ी बात है ये तो। मैं आपसे एक गल पूछूं? पूछे। अब वो ये जी, मैंने सुना है कि आप शादी ही करने वास्ते हैं। जी जबरदस्ती। क्या मतलब है, आप शादी नहीं करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ पर अपनी मर्जी से। जी तो फिर बताएं ना जी, आपको कैसा लगा, पसंद है? सेहतमंद, ताकतवर और पढ़ा लिखा होना चाहिए। है जी, पढ़ा लिखा? एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। पढ़ा लिखा? ओए ओए, है की कह गई कुड़ी, ओए पढ़ा लिखा है? किन सोचों में गुम हूं गुल्लू मियां? यार वो लड़की नहीं है, क्या नाम है उसका, मुझे बड़ी अच्छी लगी है यार। क्या सनम, तेरी कसम। हाँ यार देखना, उसका नाम ही कितना प्यारा है, मोहब्बतों वाला है। बस कर, मोहब्बतें हो गई तुझे उससे, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए उसको। उसे सेहतमंद और ताकतवर भी तो चाहिए। तुझे कैसे पता? अभी अभी बात हुई है उससे, कसम ले लो अभी अभी। बहुत सुन, यूँ हमें कुछ मालूम ही नहीं और तूने सारी मालूमत निकाल ली उससे। हाँ ना यार, देखना तू मेरी मदद करना थोड़ी सी। मैं क्या मदद करूँ तेरी भाई? यार मेरा उससे वो ब्याह करा देना, वरना 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 तू जहर खा लेगा। और नहीं, ऐसी भी कोई आफत नहीं आई है यार, लेकिन क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? अरे ससुर जी, मैं बताता हूँ कि हमारा गुल्लू गुल्लू लाल ना, इसको वो सनम से मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाहता उससे। हाँ अब हो क्या, यानी अंदरूनी मुल्क से डायरेक्ट बाहर जाने का इरादा है? थोड़ी सी मदद करें ना मेरी। अब एक मुसीबत पहले ही आई हुई है यार, अब ये दूसरी मुसीबत लेके आ रहा है यार। ससुर जी, आपकी जो मुसीबत है उसको हम दोनों मिलके देख लेंगे ना, आप हमारी मदद करें ना पहले, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो एक सेकेंड, आओ। आ सुन ले, जैसे ही आई ना मैं इशारा कर दूंगा, अब शुरू हो जाइयो। ठीक है। कहाँ रह गई? अरे ससुर जी, आपको पता है ये जो अपना गुल्लू है ना, यार ये सुबह सुबह उठ जाता है, इतनी वर्जिश करता है, इतनी कसरत करता है, मैं आपको क्या बताऊं। अबे यार इतना प्यारा लड़का, इतना मैं कहता हूँ इससे अच्छा लड़का मैंने देखा ही नहीं आज तक यार। अबे बता यार, मैं सामान लेके आ रहा था ना, तो मेरे हाथ से सामान ले लिया, कह रहे अंकल आप सामान लेके जा रहे, मैं छोड़ के आऊंगा। अब आजकल के जमाने में कौन करता है यार बुजुर्गों की इज्जत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ससुर जी आप, आपने देखा है लंबा चौड़ा है, बड़ा है, खूबसूरत है, बुरा नहीं है शक्ल का। लेकिन बस यार बेचारा अफसोस होता है यार। किस बात का अफसोस? यही यार के अकेले जिंदगी गुजार रहा है, अकेले। तो क्या करें इसका? अबे यार इसके किसी अच्छी लड़की से शादी करवा दो। अरे ससुर जी, आजकल के दौर में अच्छी लड़की मिलना आसान है क्या? अबे यार ये सनम नहीं है अपनी है? अरे क्या बात कर रहे हैं, सनम कहाँ शहर की पढ़ी लिखी लड़की, और ये बेचारा हमारा गुल्लू गांव का गरीब। अबे वो बात सुन भाई, गांव का रहने वाला जरूर है, लेकिन मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स? क्या मास्टर्स गांव में? हाँ हाँ, गांव में आप सब कुछ होता है भाई, मास्टर्स क्या हेड मास्टर्स भी। हाँ ठीक कहा आपने, मगर हम क्या कर सकते हैं, अब गुल्लू जाने उसकी किस्मत जाने। हाँ हाँ ये भी ठीक है यार। गई 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 गई, बल्कि बात बन गई। गुल्लू क्या बात है, हैं क्यों मुलटका के बैठा हुआ है, कोई परेशानी है क्या? क्या हुआ ऐसे? मम्मा मुझे
मुझे क्या पता। बोलना वो खाला वो ना वो समय में ना खाला उससे ना वो मुझे बहुत पसंद है खाला। ओ गुल्लू तू पागल तो नहीं हो गया? कुछ पता भी है कि वो किधर से आई है और तू किधर से आया है? अरे मामा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बस बस तुम चुप करो जी। और आप दोनों जानते हैं इस बारे में? नहीं, 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 नहीं इतना पता था बस कि ये उसे पसंद कर रहा है। हाँ मम्मी जी बस इतनी सी बात थी। और सनम को उसे पता है? हाँ खाला मेरे ख्याल में पता होगा। ठीक है मैं सनम को अभी बुलाती हूँ और उससे खुद पूछती हूँ। सनम सनम इधर आओ। सनम जी। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? पप्पू मुझे तो कोई एतराज नहीं बल्कि मुझे तो गुल्लू पसंद है। हैं वाकई? और वो जो वडेरा आएगा है? उसको कौन देखेगा उसे कौन जवाब देगा? अरे मम्मी जी आप सिर्फ इस पे राजी हो जाएं उसको तो हम अच्छे से देख लेंगे। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है बस तुम पापा से बात कर लेना। अरे मुझे भी कोई एतराज नहीं भाई। ओहो मैं आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ मैं तो सनम के पापा की बात कर रही हूँ। आप उसकी फिक्र ना करें पप्पो वो मैं कर लूंगी। ओहो ये तो ठीक है मगर उस वडेरे का क्या होगा उसे कौन संभालेगा उसे कौन जवाब देगा? ओ खाला टेंशन ना लो उसको मैं देख लेंगा। ओ भाई ओ पंजाबी फिल्म मत चला अकल चला अकल कर दे। अब आप लोग मेरा प्लान सुने। क्या बात है बाबा हमको इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो बात दरअसल ये है कि बात कुछ भी हो बाबा मैंने कहा ना कि जुबान से पीछे नहीं हटने दूंगा। वो बात नहीं है असल में। ये कौन है बाबा? ये मेरा दामाद है ये मेरी बेटी है ये तानी बेगम का भांजा है वो मेरे ससुर की तस्वीर है वो घड़ी है। अब और कुछ बोलो और कुछ बोलो। अरे बाबा आप तो नाराजी हो गए। अच्छा बाबा तुम बताओ कि तुम क्या फरमा रहा था? जी हमारी जो लड़की है ना वो आपके लड़के से खुद कुछ सवाल करना चाहती है। हाँ बाबा कर ले बिल्कुल कर ले क्या बात है? पूछ लो बेटा जो पूछना है इनसे। वो आपकी उम्र क्या है? अरे बाबा ने मेरी उम्र का क्या करना मेरे पुट का पूछो। अरे भाई तुमसे ही तो पूछ रही हूँ। मेरे से पूछो ना मेरे अब्बा से क्यों पूछ रही हो? अरे वो इसलिए क्योंकि ये भेंगी है। क्या देखिए आप पीछे नहीं हट सकते असल में बात ये है कि बचपन में ना ये नर्स के हाथ से गिर गई थी उसकी वजह से इसके कान और आंखें दोनों खराब। नहीं बाबा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाई? अरे बाबा मैं किसी भेंगी और बेरी को ना अपने घर की बहू नहीं बना सकता। और खुद का बेटा जो भेंगा है? अरे क्या बात कर रहा है हम जमींदार हैं हम वडेरे हमारी मर्जी हम काने हो या भेंगे हाँ बाबा। वही तो आप लोगों ने कहा था कि जी आप जमींदार हो जबान से नहीं फिरते अब शादी तो करनी पड़ेगी बाबा। जाने तो हम जा रहे हमारे को कमी है रिश्तों की अब्बा चलो चलो पट चलते हैं इधर से। अरे ऐसे क्या अरे शादी लड़की रुके 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 चलो भाई शुक्र हुआ के भला चल क्यों सनम बेटा अब तो खुश हो ना तुम? जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। बेगम ये सनम भेंगी कैसी बनी थी? अरे बाबा ने हमने सब कुछ सुन लिया है हमारे साथ बड़ी ड्रामेबाजी अब तुम्हारा शादी ना मेरे पुट के साथ होगा। हाँ मेरे साथ होगा अब मेरे साथ। नहीं मेरा क्या होगा? मामा मैं एक्टर क्यों बनूंगी? अरे मैं तो एक्ट्रेस बनूंगी एक्ट्रेस। और मैं बचपन से सही बवास की एक्टिंग रोज संगी नकल करता आ रहा हूँ यार। बोलो मेरे पति जी क्या बात है? आयरन मैन मिल गया बिल्कुल अपने बाप पर। आपको उर्दू कैसे आती है? ये सब हमारा चाचू का मोहब्बत में सीखता है। बस ये हॉलीवुड के एक्टर मेरे बच्चों की तरह। अच्छा ले कौन है? ओए मुझे बोलता है जाजा। कौन सा असली का आयरन मैन है जो मेरी बीवी और बेटी को बेवकूफ बना रहा है? देख ले यार लड्डू ऐसा ना हो कि तेरा मेहमान भाग जाए पहले की तरह। आम आदमी नहीं है ये आयरन मैन है। ऐसा तो कोई आयरन मैन नहीं होता। लाहौला वाला होता। अरे भाई फिल्मों में तो मेकअप होता है इसलिए तो आप लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन मेकअप से इतना फर्क? अभी मैं तुम लोगों के चेहरे पानी से धुलवा दूं तुम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान सकोगे। दुकान वहां अकेली छोड़ के आ गया और स्त्री को भी खुला छोड़ाया। अबे बिल आएगा तेरा बाप भरेगा काम में तेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।